बड़ी खबर बता दें, किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत भगाल पंचायत से मुख्य प्रत्याशी उबैद आलम ने हमारे संवाददाता से की बात। विकास पर उन्होंने उठाया सवाल। उबैद आलम का कहना है कि भगाल पंचायत विकास से कसो दूर रहा, ऐसे में प्रशासन की लापरवाही रही। वहीं जिला प्रशासन पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। एक तरफ स्ट्रीट लाइट की योजनाएं चलाई गई तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने निजी फंड से व्यवस्था बदला है पंचायतों की। पंचायतों के हाल को लेकर हाल ही में जिस तरह से विकास पर एक मुद्दा बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था ठीक नहीं रहा पंचायत के प्रति। कहीं ना कहीं उबैद आलम ने कहा कि पंचायत व्यवस्थापूर्वक अगर होता तो शायद बगाल पंचायत विकास से कोसों दूर नहीं होता। उबैद आलम ने अपने अल्फाजों में कहा कि हमारे कार्य हमने अपने बिना पद पर रहकर समाज के प्रति बड़ी सेवा प्रदान की है। वहीं उबैद आलम ने बताया कि हमने गाँव में कई ऐसे कीचड़ से भरा हुआ सड़क वगैरह को मिट्टी देकर अच्छा कार्य करने का काम किया है। ये दूसरी बार आपका है जी। कैसा रहा कार्यकाल में आपका? पाँच साल आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। लोगों की लोगों में कितना प्यार मिल रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है जी। जी आप कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पत्नी का, पाँच साल में कैसा रहा पंचायत का कार्यकाल? जी पाँच साल तो बहुत बेहतर रहा, लेकिन इस पाँच साल के कार्यकाल में बहुत सी सारा आफत आ गई। 2017 में आपको आपदा भी आ गया। इस बार फिर से आया जी, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर इसमें बहुत परेशानी हुआ। पाँच साल आपको बहुत जी 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 21 में भी आपके यहाँ काफी क्षति हुई है, बाढ़ से काफी लोगों को नुकसान हुआ, हम लोग गए थे वहाँ पे। क्या रहा बाढ़, जो बाढ़ आया उसके बाद जो अभी आप लोगों ने कई हंगामा भी किया कि नहीं प्रशासन को आना चाहिए इस मामले की जांच करके जो ये हो? जी प्रशासन तो आए थे, देख कर गए हैं, अब देखिए उसका क्या निर्णय लेते हैं। वैसे हम लोग विधायक जी को बोले, बोले नहीं पटना में मुख्यमंत्री से हम लोग को ये किए